कहोगे बता रहा टपू सेना रेडी। अबे आओ घर की मोड़ते आ जा आ जा ये पकड़े वाह वाह अब फूटेगी। अरे यार ये लोग अभी मटकी फोड़ देंगे और हीरा इनको मिल जाएगा। एक और लेयर बनेगी ना तब तुझे ऊपर जाना है मस्त मटके फोड़ना। हाँ। इस बार इनके ये 12 करोड़ का हीरा हाथ लगने ही वाला है। हैं? अरे बॉस ने फोन क्यों काट दिया गए वो घुमा के इंजन चालू रख हीरा हाथ में आते ही फौरन यहां से निकल जाएंगे समझा। फालूदा कहाँ है? पता नहीं यही कहीं पे होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सब अपने अपने घर जाइए क्योंकि ये मटकी हमें चाहिए। मतलब ये मटकी हम फोड़ेंगे। सॉरी जी ये मटकी आप लोग नहीं फोड़ सकते। मटकी तो हम गोकुल धाम वाले ही फोड़ेंगे। करेक्ट। हाँ, मैं फोड़ूंगा। और नहीं तो क्या भाई आप लोगों का मटकी फोड़ना कैंसल। कैंसल। हाँ। ये हमने कहा ना ये मटकी हम फोड़ेंगे तो हम ही फोड़ेंगे। ओए एक बार बोला ना मटकी हम लोग फोड़ेंगे। ये तुम बॉस कुलडॉन बका बॉस। हाँ
सेठ ने हमारे गोविंदा मंडली के लिए पैसा इन्फॉन्सर किया, इसलिए हम उनको बॉस बोलते हैं। देखिए हम सब लोग बहुत दूर से आए, प्लीज हमें ये मटकी फोड़ने दीजिए। अरे भाई दूर से आए इसका क्या मतलब हुआ, इस शहर में हजारों दही हांडी बंदी भी, आप वहाँ जाके फोड़िए ना। नहीं हमें यही मटकी चाहिए। ओ बॉस प्यार से समझा रहे, समझ जाओ क्यों जिद कर रहा है खाली फोकट। वो क्या है कि पिछले साल बॉस ने यहाँ की दही हांडी देखी थी, आप लोग इतने अच्छी तरह से मनाते, बॉस की इच्छा है कि इस साल की हांडी हम लोग फोड़े। ऐसा थोड़ी होता है। देखिए भाई साहब हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन ये कोई वजह नहीं हुई मटकी फोड़ने की।